सब पिछले पार्ट में आपने देखा कि टोनी एक दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, जहां वो देख पाता है कि अरेन लेजेंड जैसे रोबोट्स की एक आर्मी है जो कि ह्यूमन से काम करवा रही है। वहीं एक बड़े से स्क्रीन में न्यूज फ्लैश होती है कि आखिरी एवेंजर भी मारा गया, एंड वहां हम देखते हैं कि थॉर के बॉडी को कैरी कर रहे कैप्टन एंड ल्यूक केज पर हमला होता है, एंड इसी के साथ फर्स्ट एवेंजर इस यूनिवर्स का आखिरी एवेंजर बन जाता है। टोनी को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है कि तभी दूर से एक ब्लास्ट होने की आवाज आती है। टोनी तुरंत उस डायरेक्शन में उड़ जाता है एंड हम देखते हैं कि कुछ आयरन लेजेंड सेंटिनल कुछ सुपर हीरो से लड़ रहे होते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन, केट बिशप, हार्ली क्विनर, कमाला खान, हल्क किंग, कैसी लैंग जैसे यंग एवेंजर्स होते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसी लैंग खुद को बड़ा करके सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, बट जैसे ही वो नॉर्मल होती है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि ये उसके लिमिट से ज्यादा था। स्पाइडरमैन एंड हल्क किंग सेंटिनल्स के अंदर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं एंड इसी के ब्लास्ट को देखकर टोनी इनके तरफ आ रहा होता है। ये लोग किसी तरह इनको निपटाए ही थे कि एडेप्टिव सेंटिनल्स आ जाते हैं जो कि यंग एवेंजर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। एक सेंटिनल पीटर का हाथ पकड़ के उसको क्रश कर दिया, वहीं हार्ली क्विनर भी एडेप्टिव सेंटिनल्स से छूटने की कोशिश करते हुए हमें दिख रहा होता है कि तभी वहां एंट्री होती है आयरन मैन की, जो कि मकारे की स्पीड से आकर एथेना के जैसे ब्लेड बनाकर सेंटिनल्स के हाथ काट देता है एंड स्पाइडरमैन और हार्ली क्विनर यानी कि आयरन लैड को आजाद करता है। कमाला स्पाइडरमैन एंड आयरन लैड को साइड करती है, वहीं केट बिशप स्मोक ग्रेनेड्स करके ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। हल्क किंग सारे एडेप्टिव सेंटिनल्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उनका एकमात्र टारगेट बनने के वजह से वहां पे मारा जाता है। ये देखकर सब वहां पे टूट जाते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा। टोनी कैसी लैंग जो कि बेहोश रहती है उसको उठाकर बाकियों के पीछे जाने लगता है, और यहां पर सब कोई के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि एडेप्टिव सेंटिनल्स जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उनका हाथ इस बंदे ने कैसे काट लिया, क्योंकि अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, क्योंकि सारे एवेंजर्स मारे जा चुके हैं एंड सिर्फ अभी तक कोर एवेंजर्स ही ऐसा कर पाए थे। टोनी उनको बताता है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, कि तभी वहां पर पीटर के हाथ को वो हील करता है एजैक की पावर की मदद से, वहीं आयरन लैड के सूट प्लस बॉडी को भी वो ठीक कर देता है विद फ्यू अपडेट्स। इसके आगे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वहां एडेप्टिव सेंटिनल्स आ चुके होते हैं जिनसे लड़ने के लिए वो फिर से रेडी हो जाते हैं। इस बार टोनी जब हमला करता है तो वो सेंटिनल्स डायमंड के फॉर्म में बदल जाते हैं, जिसको टोनी की तलवार काट नहीं पाती है। टोनी ड्रिक की पावर से उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि इनके अंदर कोई ह्यूमन होगा, बट तभी आयरन मैन को पता चलता है कि ये सब तो रोबोट्स हैं। इसके बाद टोनी सर्सी के मैटर मैनिपुलेशन वाले पावर का इस्तेमाल करके एडेप्टिव सेंटिनल्स के कोर तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट उसमें वो नाकाम होता है क्योंकि जिस भी मटेरियल में आयरन मैन इन एडेप्टिव सेंटिनल्स को बदल रहा होता है उसको वो तुरंत काउंटर कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो टोनी के सूट को ही ओवरराइड करने की कोशिश करता है। इसीलिए टोनी यूनिबीम का इस्तेमाल करके उनके कैद से खुद को आजाद करता है। टोनी देखता है कि एडेप्टिव सेंटिनल्स ने इतने देर में केट को मार दिया, वहीं बाकियों को भी चोट पहुंचाने जा रहा होता है, तो वो एक ईएमपी ब्लास्ट छोड़ता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे आयरन लैंड का सूट तो ऑफ हो जाता है लेकिन साथ में एडेप्टिव सेंटिनल्स का भी सूट बंद हो जाता है। स्पाइडरमैन कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम अपनी लड़ाई की शुरुआत इसी से करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ईएमपी अटैक्स का इन पर असर नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा हो गया। कैसे? कि तभी वहां पर मैजिक पोर्टल से आती है एंड आयरन मैन पर हमला करती है एंड बोलती है कि तुम्हारे वजह से हल्किंग एंड केट मारे गए। स्पाइडरमैन एंड आयरन लैड मैजिक को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो एक नहीं सुनती है। मैजिक बोलती है कि मैंने सुना था कि यंग एवेंजर्स को पकड़ने के लिए स्पेशल तैयारी की गई है, बट ये नहीं जानती थी कि वो तुम हो, एंड बाकी सब इस झांसे में कैसे फंस गए। एक ऐसी दुनिया जहां म्यूटेंट्स का राज है एंड सेंटिनल्स पहरेदारी कर रहे हैं, वैसे में कोई आता है एंड वो तुमको सेंटिनल से बचा रहा होता है तो तुम लोगों को इस पर डाउट नहीं हुआ? ऊपर से एडेप्टिव सेंटिनल्स ने कोर एवेंजर्स को मारा हुआ है तो उनको ये एक झटके में डाउन कैसे कर सकता है? तुम लोगों को ये एक प्लान नहीं लगता? मैं काफी देर से ये ऑब्जर्व कर रही थी लेकिन अब मुझे लगा कि इंटरफेयर करना चाहिए।
ये सबके मन में डाउट ला ही रहा होता है कि तभी ऊपर से एक बॉक्स गिरता है जिसमें से जगरनॉट निकलता है एंड कई सारे अडेप्टिव सेंटिनल्स निकलते हैं। जगरनॉट कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी होनहार जासूस जिसके मदद से हमने कमरताज पर कब्जा किया था वो मेरे पोजीशन को टारगेट करने के लिए हमसे पहले ही यंग एवेंजर्स को पकड़ने के लिए यहाँ आ जाएगी। इतना सुनते ही यंग एवेंजर्स मैजिक की ओर देखती है और वो सोचने लगते हैं कि कहीं मैजिक ही डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रही, जिसके रेस्पॉन्स पर हम देखते हैं कि मैजिक के आंखों से आंसू गिर रहा होता है और वो एक स्पेल कास्ट करती है जो कि कई सारे सेंटिनल्स को गिरा देती है। जगरनॉट कहता है कि तुम म्यूटेंट होकर म्यूटेंट काइंड को धोखा दोगी, तुम्हारी ये मजाल, और वो सिटरैक्ट के पावर की मदद से उन ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। मैजिक जिसके आंखों से आंसू गिर रहा होता है वो कहती है कि तुम लोगों ने वादा किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं करोगे, ना ही वहां मौजूद जादूगरों को, जिस पर जगरनॉट कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, बट उन लोगों ने म्यूटेंट बनने से मना कर दिया, प्लस हमारे खिलाफ जा रहे थे, एंड तुम तो जानती हो जो भी सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। मैजिक कहती है कि अब नहीं। तभी हम देखते हैं कि ईएमपी वेव से शटडाउन हुए अडैप्टिव सेंटिनल्स वापस से ऑन हो जाते हैं जो कि मैजिक की ओर बढ़ते हैं, जिसको बिशप शूट करके डाउन कर देता है एंड कहता है कि वो अकेले नहीं है। मैजिक कहती है कि सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट तो पहले हीरोज एंड ह्यूमंस थे, बट अब हम म्यूटेंट्स भी हैं एंड इसीलिए अब हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे जैसा चार्ल्स जेवियर चाहते थे, जिसके रेस्पॉन्स में जगरनॉट कहता है कि तो चार्ल्स के जैसे मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है टंटन की और हम देख पाते हैं कि टोनी अपने सूट को अपग्रेड करता है हल्क बस्टर टाइप के सूट में। इसके बाद हल्क बस्टर वर्सेस हल्क के जैसे ही यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है आयरन मैन वर्सेस जगरनॉट की। वहीं ग्राउंड में हम मैजिक एंड बिशप को अडैप्टिव सेंटिनल से लड़ते हुए देखते हैं एंड यंग एवेंजर्स उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। मैजिक रियलाइज करती है कि उन ड्रैगन्स को वो फिर से समन करेगी तो वो कमजोर हो जाएगी और टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगी, कि सेंटिनल से लड़ने से अच्छा वो सबको टेलीपोर्ट करके कहीं और ले जाए क्योंकि उसको और भी कई लोगों को बचाना है। मैजिक यंग एवेंजर्स एंड बिशप को लिम्बो में टेलीपोर्ट कर देती है एंड बोलती है कि बिशप तुम इनका ख्याल रखना, जिस पर बिशप पॉइंट आउट करता है कि पीछे दो सेंटिनल है बट अब उसका पावर खत्म हो चुका है वो इन्हें नहीं रोक सकता एंड उसे पावर की जरूरत है। तो तभी मैजिक कहती है कि चिंता मत करो, ये मेरा इलाका है और हम यहाँ पे सेफ हैं। और हम देखते हैं कि लिम्बो के मॉन्स्टर्स उन सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे मैजिक वापस से अपने यूनिवर्स में जाती है तो वो पाती है कि टोनी ने जगरनॉट को हरा दिया है एंड वो बाकी सेंटिनल्स को भी ठिकाने लगा रहा था। मैजिक कहती है कि ओए आयरन मैन की कॉपी, मेरे साथ चलो वरना ये लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, जिस पर टोनी पूछता है कि कौन। कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर हेलीकैरियर से टोनी के ऊपर एक पावरफुल बीम शूट किया जाता है। मैजिक टोनी को बचाते हुए अपने लिम्बो डायमेंशन में ले आती है, जहां पे टोनी पूछता है कि पहले तो तुम मुझे मारने के लिए तुली हुई थी और अब बचा रही हो, जिस पर मैजिक कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम हमारे साइड हो, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद से बिशप अपडेट करता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है, किसी में भी कोई बग नहीं है और वो लोग सेफ प्लेस में जा सकते हैं, जिस पर मैजिक कहती है कि सब नहीं, अब पर्दा हटाओ एंड बताओ कि तुम कौन हो जिसने ना सिर्फ जगरनॉट को हराया बल्कि अडैप्टिव सेंटिनल्स को भी मारा। तो टोनी अपना मास्क हटाता है एंड सब चौंक जाते हैं। मैजिक कहती है कि अपना असली चेहरा दिखाओ, वैसे भी इस चेहरे को कोई पसंद नहीं करता यहाँ पर। टोनी पूछता है क्यों, तो मैजिक बताती है क्योंकि इसी चेहरे के वजह से हम ऐसे सिचुएशन पे पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जगरनॉट मैग्नेटो को ये रिपोर्ट देता है कि 6 नॉर्मल सेंटिनल्स एंड 9 अडैप्टिव सेंटिनल्स बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो चुके हैं, जिस पर मैग्नेटो जगरनॉट का हेलमेट को ही क्रश करने लगता है एंड कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना नुकसान हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि जिसने नुकसान किया वो अभी भी आजाद है। जगरनॉट कहता है कि उसको वहां बचाने वाली मैजिक थी और उसने हमें धोखा दिया है, वरना आज तो वो हमारे सामने होता। इसके अलावा वो बंदा बिल्कुल टोनी स्टार्क के जैसा लड़ रहा था बट ऑफेंसिव। मैग्नेटो कहता है कि ये नामुमकिन है, वो आयरन लैड या आयरन हार्ट होगी, जिस पर एमा कहती है कि पहले हमें भी यही लगा था बट आयरन हार्ट को तो हमने काफी समय पहले ही मार दिया। वहीं आयरन लैड जो जिंदा था वो वहां पर मौजूद था। इसके बाद से वो बताती है कि हमारे अडैप्टिव सेंटिनल्स को भी हैक करने की कोशिश की गई थी जो कि आयरन लैड के औकात के बाहर है, इसका मतलब ये कोई और ही है जो कि हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। मैग्नेटो बीच में बात काटते हुए कहता है कि मुझे नहीं जानना कि वो कौन है और कहां से आया है,
मुझे बस अगली मीटिंग में वो मेरे सामने चाहिए, वरना तुम दोनों नहीं बचोगे रिपोर्ट देने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये एपिसोड आने में डिले हो गया है, बट वरी नॉट, इसका अगला पार्ट काफी जल्द आ जाएगा अगर आप लोगों ने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये हमारे सीजन 3 का एपिसोड 2 था, तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स देखे होंगे ताकि आपको समझ में आए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन में भी शो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।